अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ रोमाना और आप सब देख रहे हो मेरी रमज़ान रूटीन। तो यहाँ पर आ गई हूँ मैं सहरी बनाने के लिए। तो आज आंटी बनाने वाले हैं सहरी में मटन पुलाव, चटपट सा मटन पुलाव। और यहाँ पर टाइम हुआ है 4:15। चलो जल्दी से सहरी बनाते हैं। और यहाँ पर मैंने मटन को ऐसे छोटे छोटे क्यूब्स में कट करके लिए, आप देख सकते हो, ताकि मटन जो है हमारा जल्दी से पक जाए, जल्दी से टेंडर हो जाए। बनाने के लिए यहाँ पर लेंगे हम लोग एक कुकर और करेंगे फ्लेम को ऑन। इसमें डालेंगे ऑयल, और ऑयल को गर्म होने देंगे। पर हम लोग ने दिए कुछ खड़े गरम मसाले, और ये तेज़पत्ता भी तोड़ कर लिया है, ये भी डालेंगे ऑयल में। अब इसमें डालते हैं प्याज, और प्याज को हम लोग गोल्डन करेंगे। तो फ्रेंड्स, प्याज हमारी गोल्डन गोल्डन हो चुकी है। अब इसमें डालते हैं टोमेटो को, भी हम लोग 2 मिनट तक अच्छे से भून कर लेंगे। टोमेटो अच्छे से मैंने भून ली, अब इसमें डालते हैं मटन। मटन को अच्छे से मैंने धोकर वॉश कर ली, और मटन को भी हम लोग 2 से 3 मिनट अच्छे से भूनेंगे। डालते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट, और अदरक लहसुन के पेस्ट को भी हम लोग अच्छे से 2 से 3 मिनट भून लेंगे, जब तक कच्ची स्मेल नहीं चली जाती। अब इसमें फ्रेंड्स डालते हैं नमक, नमक अपने स्वाद अनुसार, और इसी के साथ डालेंगे सारे मसाले। सबसे पहले डाल रहे हैं जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, बरसों पाउडर, और डालेंगे बिरयानी मसाला थोड़ा सा, और डालेंगे मीट मसाला, आप कोई भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। फिर डालते हैं हरी मिर्चियाँ, इसमें हम लोग लाल मिर्ची पाउडर बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रहे। अब इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे और अच्छे से भून कर लेंगे। कितने टाइम भूनेंगे? 2 से 3 मिनट अच्छे से भून कर लेंगे। और अब इसमें डालते हैं गरम मसाला पाउडर, और इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे और 2 से 3 मिनट सारे मसाले को भून कर लेंगे। फ्रेंड्स, मैंने मसाले को अच्छे से भून ली हूँ, तेल भी ऊपर आ चुका है, देख सकते हो आप। इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे, उसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। अब डालते हैं पानी, ताकि मटन जो है हमारा टेंडर हो जाए। कुकर का ढक्कन बंद करेंगे और इसको हम लोग 4 से 5 सीटी लेंगे। फ्रेंड्स, हम लोग इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे 4 से 5 सीटी लेंगे, फ्लेम को एकदम भी हाई नहीं रखना है। जब तक हमारा पुलाव रेडी हो रहा है, तब तक मैं यहाँ पे चाय बना कर ले रही हूँ। तो करेंगे फ्लेम को ऑन और रखेंगे चाय का बर्तन। सहरी में ना टाइम की किल्लत होती है, तो एक तरफ खाना बनाओ, एक तरफ चाय चढ़ा दो, टेंशन खत्म। और यहाँ पर हमारी चाय रेडी है, करेंगे फ्लेम को ऑफ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 4 सीटी ले ली हूँ, जो मटन है वो भी अच्छे से टेंडर हो चुका है। अब हम लोग इसमें डालेंगे पानी, और उसी के साथ डालेंगे राइस। चावल के डबल हम लोग पानी डालेंगे इसमें, आप अपने हिसाब से लीजिए, जितने आपके चावल है उससे डबल आप पानी डालिए। कुकर में पानी थोड़ा कम डालना, क्योंकि कुकर में पानी कम लगता है, जल्दी से बॉईल आ जाता है, चावल जो जल्दी से पक जाता है। और आप इन सबको अच्छे से करेंगे मिक्स, और कुकर का ढक्कन लगाएंगे, उसको 1 ही सीटी लेंगे हम लोग। नमक थोड़ा कम है तो मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा, आप भी टेस्ट करना, और फिर कम रहा तो आप ऐड कर लो।
अब कुकर का ढक्कन लगाएंगे और हाई फ्लेम पे हम लोग उसको एक सीटी लेंगे, हाई फ्लेम पे एक सीटी लेंगे हम। फ्रेंड्स यहाँ पर पुलाव बनकर रेडी है, पुलाव हमारा बनकर रेडी है, अब हम लोग इसको निकालते प्लेट में। निकाल रही हूँ चाय, मैंने अपनी मम्मी से बोलकर न्यू कप निकाली हूँ, मस्त है ना, क्यूट। ये है मेरी काली चाय। आज शहरी में है मटन पुलाव, एक खजूर, चाय बिस्किट और पानी। अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेंड्स, ये है मेरे शहरी का दस्तरखान, तो आप सब भी आ जाइए शहरी करने के लिए। दिखने में तो बहुत ही यम दिख रहा है, टेस्ट में कैसा है चलेंगे। मटन का पीस गर्म है, गर्म है, गर्म है, देख सकते हो मटन कितने अच्छे से टेंडर हो चुका है। चलेंगे एक लुकमा। बहुत ही यम बना है फ्रेंड्स। देन यहाँ पर मैं खा रही हूँ चाय बिस्किट, आप सब भी आ जाइए सहरी करने के लिए। कौन कौन काली चाय पीना पसंद करता है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और बस फ्रेंड्स, यह थी मेरी सहरी रूटीन, आप किस तरीके से करते हो मुझे कमेंट में बताना। यहाँ पे लास्ट में खाऊंगी खजूर, फिर उसके बाद पानी, दैट्स इट, हो गई मेरी सहरी। ये जैन हमारा की मस्ती देखो, हाँ यहाँ से सीढ़ियों से उतर रही है। क्या 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 मैंने जैन, हाय करो, पूछो कैसे हो, इधर देखो, पूछो कैसे हो। अरे मेरा मेरा क्यूट आराम आराम आराम, हाई फाई दो खाला को। क्या कर रहे हो, हमारे इधर आओ, हमारे सबसे अलग यहाँ पे ऊपर बैठी हुई है। अम्मो इधर आओ, यहाँ पे हम लोग के घर के बाहर सीढ़ियाँ ना, यहाँ पे लोग बहुत मस्ती करते हैं हमेशा। बस जैन, जैन कोकनी बोलते हो कि हिंदी, हिंदी बैस बैस कोकनी में ना बैस बोलते हैं बैठने को, तो वही वो बैस बोल रहा है। अमायरा हाय करो, हाय अम्मू हाय करो, अम्मू जैन हाय करो, हाय आराम हाय करो। ये गांधी जी के तीन बंदर बैठे हुए, फ्लैंकी फ्लैंकी नहीं आप बैठो, नहीं आप बैठो, नहीं आप बैठो ना, अच्छे जॉनी जॉनी चलो बोलो जॉनी जॉनी, ईटिंग शुगर, टेलिंग लाइज, ओपन योर माउथ। अभी चलो नीचे आओ, चलो अमुआ अरम कैसे उतरोगे, नहीं हो रहा है उतरने। मछली जल की, जीवन उसका, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। तो किसका इसका रोजा है, रोजा किसका है, भाई, भाई का। भाई किधर रोजा रखते हो, रोजा किधर रखते हो, बताओ बताओ किधर रखते हो रोजा। नहीं बैठ बैठ।
वहां रखते हो रोजा? अच्छा अमेरा आओ ना नीचे। नहीं आराम, ए आराम, आराम फ्लैंक खींच दो। बाबू बोलू आराम नहीं, अच्छा आपको क्या बोलने का? बाय। और अम्मू को क्या बोलने का? दीदी दीदी नहीं मम्मू। हाँ आराम फ्लैंक खींच दे बाबू, फ्लैंक खींच दे आराम, नहीं ऊपर नहीं जाने का आराम। चलो मैं भी आ रही हूँ आप लोग के साथ ऊपर। चलो अब मैं जो है जा रही हूँ थोड़े से फ्रूट्स लाने और थोड़ा बहुत सामान लाने अफतारी का। और यहाँ पर मैंने लियो ऑटो, ऑटो से मैं जा रही हूँ स्टेशन। स्टेशन पे जो मस्जिद है वहाँ पर ही बाहर इफ्तारी का मार्केट लगता है, तो इन लोग यहाँ पर ये छोटी छोटी सी स्टॉल लेकर बैठते हैं। आपने मेरे पहले वाले व्लॉग्स में देखे होंगे। यह है नेहरूल की जामा मस्जिद, इसी के बाहर इफ्तारी का मार्केट लगता है। और यहाँ पर है ये वाटरमेलन, रेड रेड सा वाटरमेलन। कहाँ से लाई रही इतना अच्छा? स्टेशन से। नेहरूल में स्टेशन पे मार्केट लगता है, तो वहाँ पे ये फ्रूट्स मार्केट है, मच्छी मार्केट है, सब पूरा मार्केट्स है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आ गई हूँ फ्रूट्स कट करने के लिए। मैंने कुछ शूट नहीं की हूँ क्योंकि ये जुम्मा का व्लॉग है और जुम्मा के दिन आपको पता है कि इस्तेमा रहता है, जुम्मे की नमाज़ बाद इस्तेमा रहता है, तो मुझे नहीं करने मिलता शूट वगैरह। और मैंने बीच में भी व्लॉग नहीं डाली क्योंकि पानी की इतनी प्रॉब्लम चल रही थी, उसमें मैं शूट वगैरह नहीं कर पाई, वीडियो व्लॉग नहीं बना पाई। खा रहे हो बताओ, क्या खा रहे हो, क्या खा रहे हो बताओ? अभी गर्मियाँ चल रही है ना, तो इसको बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। बाबू बताओ क्या खा रहे हैं? भजिया। बाबू भजिया खा रहे हो? बाबू आराम। हाँ और चाहिए? भजिया चाहिए आपको? बाबू क्या खा रहे हो बताओ? बाबू बाबू क्या खा रहे हो बताओ? आराम। क्या खा रहे हो? भजिया खा रहे हो? ये मेरा फेवरेट लग रहा, इसकी रेसिपी हम लोग के चैनल पे अपलोडेड है। अब जो है बहुत ही कम रोज़े बाकी हैं, तो इंशाल्लाह मैं आपको हर रोज़ एक व्लॉग जो है देते रहूँगी, आपसे अपनी रमज़ान रूटीन शेयर करते रहूँगी। तो आप लोग भी मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए और अपना प्यार मुझे इसी तरीके से देते रहिए। और यहाँ पे इफ्तारी का टाइम होने आया है, तो आप सब भी आ जाइए इफ्तारी करने के लिए। तो फ्रेंड्स आज इफ्तारी में है फ्रूट्स, वाटरमेलन, ये वाटरमेलन फ्रूट्स तो नहीं आते, कांदे की भजिया, और ये है चिकन स्ट्रिप पाव, यहाँ पे है ये लगड़ा। फ्रेंड्स ये है रवा साबुदाने की पेस्ट, जिसको हिंदी में गंजी बोलते हैं, हम लोग इसको पेस्ट बोलते हैं, आपके लैंग्वेज में क्या बोलते हैं आप मुझे कमेंट करके बताना। फ्रेंड्स ये है टैंग शरबत और ये है मैंगो शरबत। तो ये है मेरी आज की इफ्तारी, अल्हम्दुलिल्लाह। फ्रेंड्स ये है मेरी आज की इफ्तारी, तो आप सब भी आ जाइए इफ्तारी करने के लिए। तो फ्रेंड्स ये है मेरी इफ्तारी रूटीन, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलती हूँ आपको नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिए। बाय बाय फ्रेंड्स।